Hello everyone! Welcome to my channel Hindi CBC Classroom. Please subscribe to my channel and hit the bell button next to it so that you will get notification whenever I post a new video. I have created separate playlist in my channel for each and every class separately. So please check the description box below and select accordingly. So let's start today's topic. Today's topic is Class Seven Chapter Seventeen, Veer Kumar Singh. So this is a um, this is a chapter about. Um, फ्रीडम फाइटर नेम्ड वीर कुंवर सिंह आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी छठी कक्षा में पढ़ी होगी सो यू मस्ट हैव रेड सुभद्रा कुमारी चौहान पोएम झांसी की रानी इन दिक्सथ स्टैंडर्ड इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है सो इन दैट इन दैट पोएम द नेम ऑफ ठाकुर कुंवर सिंह नेम वो मैंशनड आपको कविता की पंक्तियां याद आ रही होगी यू मस्ट बी रिमेंबरिंग दो लाइन्स ऑफ दैट पोएम एक बार फिर से इन पंक्तियों को पढ़िए सो वंस अगेन जस्ट रीड दिस लाइन्स इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम इन दिस फ्रीडम फाइट मैनी हीरोइक पर्सन्स और मैनी हीरोइक पीपल हैव कम टुगेदर नाना धुंदुपंत तांतिया चतुर अंजीमुल्ला सरनाम सो ऑल द फ्रीडम फाइटर्स लाइक नाना दुदुम्पन तंतिया चतुर चतुराजमिल्ला एक्सेट्रा अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम सो अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सो दिस इज़ द पोएम इन दिस ठाकुर कुंवर सिंह नेम इज़ बीन मैंशनड सैनिक अभिराम एक्सेट्रा भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम हुज नेम्स विल रिमेन इमोटल इंडिया हिस्ट्री सो यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है सो इन दिस चैप्टर द इंफॉर्मेशन अबाउट द सेम हीरोज बीन गिवन सन एन फिफ्टी 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत के ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया सो दाइट स्प्रेड आर्म्ड रेबेलियन ऑफ 1857 shook the शूक द British ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया सो द रेबेल स्टार्टेड फॉर वॉट फॉर वॉट it's the rebel started for the repression policy. repression policy means uh, forcefully restricting a citizen's right. that they cannot do a government job, they cannot sell this, they cannot take that. so re, uh, restricting a citizen's right. for that, the rebel had started against the british rule in india. march 1857, may, berakpur may, angrezon, kivirud, bhagavad par mangal pandeyko, एट अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई सो मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन एट्थ अप्रैल 1857 फॉर स्टैंडिंग और रेबलिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश एट बारकपुर इन मार्च 1857 फिफ्टी दस मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए सो ऑन टेंथ में फिफ्टी सेवन वॉट द इंडियन सोल्जर्स डे इंडियन सोल्जर्स स्टार्टड ए मूवमेंट इन मेरठ अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर्स एंड दे मार्च डायरेक्टली टूवर्ड्स दिल्ली दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर ग्यारह मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया so what they did together the people the soldiers who came from merit and the soldiers together who joined them at delhi they uh, what they did they on 11th may they took over delhi and what they did they declared the last mughal ruler bahadur shah zafar as a ruler of india so now they have conquered the capital of india who conquered the indian soldiers itself because british had taken them so they took it took the delhi back यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया सो दिस दिसबल दिस मूवमेंट और दिस रेबल स्प्रेड लाइक अ वेरी फार एंड वाइड लाइक जस्ट लाइक अ फॉरेस्ट फायर बिकॉज द इंडियन सोल्जर्स और द रेबल्स हैड कॉन्कर्ड दिल्ली दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया सो दे हैड कॉन्कर्ड दिल्ली सो दिस मूवमेंट स्प्रेड फार वाइड लाइक अ फॉरेस्ट फायर कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा सो द रेबल्स हेल्ड देयर कंट्रोल ओवर अ वाइड रेडियो वाइड एरिया ऑफ नॉर्थन एंड सेंट्रल इंडिया फॉर सेवरल मंथ्स दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण हुआ वे केंद्र थे कानपुर लखनऊ बरेली बुंदेलखंड और आरा

विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब तांतिया टोपे बखत खान अजल मुल्ला खान रानी लक्ष्मीबाई बेगम हज़रत महल कुंवर सिंह मौलवी अल अह, अहमदुल्ला बहादुर खान और राव तुलाराम थे सो द मेन लीडर्स ऑफ दिस रेबिलियन मोमेंट्स वेयर नाना साहेब तांतिया टोप भक्त खान अजमुल्ला खान रानी लक्ष्मी बाई बेगम हज़रत महल कुंवर सिंह मौलवी मदुल्लाह बहादुर खान और राव तुलराम 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था सो so, द uh, 1857 मूवमेंट वाज अ फर्म स्टेप टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस सो इट वाज अ फर्स्ट एंड वेरी स्ट्रोंग स्टेप टुवर्ड्स द इंडिपेंडेंस आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया सो लेटर द मूवमेंट ऑफ 1857 डिड द वर्क टू बिल्ड अ फाउंडेशन ऑफ नेशनल यूनिटी एंड मूवमेंट दैट लेड द फाउंडेशन टू फाइट फॉर फ्रीडम सो इट वॉज द इनिशियल स्टेप एंड द फाउंडेशन फॉर द फाइट फॉर फ्रीडम भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व हुआ सो दिस मोमेंट हैज़ ऑल्सो हैज अ स्पेशल सिग्निफिकेंस टुअर्ड्स इंक्रीजिंग द कम्युनल हार्मनी इन इंडिया द कम्युनल हारमनी बिटवीन द इंडियंस सो दिस मोमेंट ऑल्सो लेट टू इंक्रीज इन कम्युनल हारमनी इन इंडिया एटीन फिफ्टी सेवन के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है सो वीर कुंवर सिंह नेम इन द 1857 इज नोटेबल इन मेनी रेस्पेक्ट्स कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया सो द हु वेटेर मीन्स पीपल हु फॉर्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम सो पीपल लाइक कुंवर सिंह फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती सो देर इज़ नॉट मच इन्फॉर्मेशन अबाउट द चाइल्डहुड ऑफ़ वीर कुंवर सिंह कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शहाबाद जिले के जगदीशपुर के में सन 1782 ऐटी टू ईम में हुआ था सो इट इज़ सेट दैट कुंवर सिंह वॉज बॉर्न इन 1782 ऐटी टू ए डी इन जगदीशपुर ऑफ शाहबादा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार उनके पिता का नाम शाहजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था सो हिज फादर्स नेम शाह शाहबज़ादा सिंह एंड मदर्स नेम पंचरतन कुंवर उनके पिता शाहबज़ादा सिंह जगदीशपुर रियासत के ज़मींदार थे परंतु उनको अपनी ज़मींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा सो हिज़ फादर शाहबाद फादर साहबजादा सिंह वॉज अ लैंड लोर्ड ऑफ जगदीशपुर बट ही हैड टू स्ट्रगल अ लॉ टू गेन हिज स्टेटस पारिवारिक उल्लझनों के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके सो तो ड्यू टू द कै फैमिली कॉम्प्लीकेशंस और फैमिली प्रॉब्लम्स कुंवर सिंह फादर वॉज नॉट एबल टू टेक केयर ऑफ हिम टेक केयर ऑफ हि सन दैट इज कु सिंह प्रॉपरली इन चाइल्डहुड जगदीशपुर लौटने के बाद ही वह कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की ठीक से व्यवस्था कर पाए ओनली आफ्टर रिटर्निंग टू जगदीशपुर हिज फादर वॉज एबल टू प्रॉपरली अरेंज फॉर कुंवर सिंह एजुकेशन कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे सो कुंवर सिंह फादर एलॉन्ग विद बींग वेरी ब्रेव एंड करेजियस ही वॉज अ मैन ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट एंड ए वेरी जनरस नेचर उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा सो हिज पर्सनैलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड कुंवर सिंह कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की सो कुंवर सिंह एजुकेशन वॉज अरेंज बाई हिज फादर एट होम इट्सल्फ वहीं उन्होंने हिंदी संस्कृत और फारसी सीखी देर ओनली ही लर्न हिंदी संस्कृत एंड पर्शियन लैंग्वेजेस परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था बट मोर देन रीडिंग एंड राइटिंग ही हैड मोर इंटरेस्ट इन हॉर्स राइडिंग देन स्पोर्ट्स एंड रेसलिंग एंड ऑल बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली सो द बाबू कुंवर सिंह हैड टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इज स्टेट इन 1827 ट्वेंटी सेवन आफ्टर द डेथ ऑफ हिस फादर उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम सीमा पर था सो एट दैट टाइम द क्रूअल्टी बिहेवियर ऑफ द ब्रिटिश रूल वॉज एट एट स्पीक देवर टॉर्चरिंग द इंडियंस सो इट वॉज एट अ पीक इससे लोगों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था सो बिकॉज ऑफ दिस अ स्ट्रांग डिसन एमंग द पीपल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वॉज स्टार्टिंग टू राइस कृषि उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था सो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड वेयर इन अ वेरी बैड कंडीशन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ग्रो एट ऑल बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे सो द मीटिंग्स ऑफ द स्टेट्स वेयर ऑल्सो दे वेर नॉट एबल टू डिस्कस ऑल्सो दमसेल्व भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था सो द इंडियंस वेअर डिनाइड इंपॉर्टेंट एंड हाई जॉब्स इन देयर ओन कंट्री दे uh, uh, own नॉट एबल टू those और गेट सम इम्पॉर्टेंट और ब्रिटिश पीपल इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी सो दिस दिस क्रिएटेड नेशन वाइड स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश पावर ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया सो इन सच ए सिचुएशन वॉट कुंवर सिंह डिन कुंवर सिंह प्लेज और प्रोमिस्ड टू टेक द कंट्रोल फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट और ब्रिटिश रूल जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक सिद्ध संत रहते थे सो इन द फॉरेस्ट ऑफ जगदीशपुर देव अ प्रूवन सेंट नेम्ड बसुरिया बाबा उन्होंने ही कुंवर सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी सो ही वॉज द पर्सन हुड और हु ब्रॉड अ सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म एंड इंडिपेंडेंस इन द कु माइंड उन्होंने बनारस मथुरा कानपुर लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजना बनाई सो कुटिव प्लान ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बाई विजिटिंग प्लेस लाइक बनारस मथुरा कानपुर लखनऊ एक्सेट्रा वह 1845 से 1846 तक काफी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे सो ही रिमेन वेरी एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लाइक एटीन फोर्टी फाइव टू एटीन फोर्टी सिक्स एंड ही सीक्रेटली केप्ट प्लानिंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना

के लिए भी विख्यात है सो दिस इज ऑल्सो फेमस फॉर द परचेज एंड सेल ऑफ एलिफेंट्स ऐसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाते थे सो इन दोज टाइम्स पीपल वुड गैदर इन सच फेयर्स टू मेक प्लान्स अबाउट द रेवोल्यूशन फॉर फ्रीडम 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े सो ऑन ट्वेंटी जुलाई 1857, फिफ्टी सेवन द सोल्जर्स ऑफ दानापुर रिवोल्टेड एंड द सोल्जर्स क्रॉस द सोन रिवर एंड मार्च टुवर्ड्स आरा आरा इज अ प्लेस नेम कुंवर सिंह ने उनका संपर्क पहले से ही था को सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था सो ऑलरेडी इन कॉन्टेक्ट विद कुंवर सिंह सो ही ओनली हेल्प दम क्रॉस द सोन रिवर एंड कम टू आरा इस मुक्ति वाहिनी के सभी भागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल के सलाखे तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया so uh, all the rebel soldiers of this mukti wahini uh, they, they were uh, chanting kaur singh's name because he only helped them come here and uh, come towards ara so they chanted kaur uh, singh's name and reached ara and broke the bars of the jail and free, freed them who were captives that is who were uh, फॉर रेवल्यूशन और इन कनेक्टेड टू सम लाइक फ्रीडम फाइट हुई ने आरा पर विजय प्राप्त की सो ऑन ट्वेंटी सेवन जुलाई एटीन सेवन कुंवर सिंह कौनक आरा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी सो ऑल दोल्जर्स गेव दिम अलिटरी सेल्यूट ये बूढ़े हो चले थे परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया ऑल दो कुर सिंह हेड ग्रोन ओल्ड ही ऑज वेरी ओल्ड नाउ बट स्टिल वॉज ऑलवेज रेडी फॉर वॉर इवन एट दिस स्टेज एंड दैट्स वाई आरा बिकेम एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर रेवल्यूशन दानापुर और आरा की इस लड़ाई की ज्वाला बिहार में स्वत व्याप्त हो गई थी सो द फ्लेम ऑफ दिस बैटल ऑफ दानापुर एंड आरा हेट स्प्रेड एवरीवेयर इन बिहार लेकिन देशी सैनिकों में अनुशासन की कमी स्थानीय ज़मींदारों का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करना एवं आधुनिकतम शत्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका ना जा सका so uh, this revolution had become very great impact had given a very great impact in bihar but due to the lack of discipline among the soldiers itself then cooperation of local zamindar with britishers so local zamindar were tying hand with the britishers and because of lack of modern weapons with uh, them the fall of jagdishpur could not be stopped 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई सो वॉट हैपेन्ड ऑन 13th ऑगस्ट कुंवर कुंवर सिंह आर्मी गॉट डिफीटेड बाई द ब्रिटिश किंतु इससे वीरवर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए बट दिस कूड ब्रेक कुड ब्रेक द कॉन्फिडेंस ऑफ कुर सिंह ही टू प्लान फॉर द फ्यूचर वॉर वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे सो ही वॉन्टेड टू मीट लीडर्स ऑफ द रेवल्यूशन एंड कैरी ऑन दिस फाइट ऑफ फ्रीडम कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर रोते होते हुए रीवा कालपी कानपुर एवं लखनऊ तक गए सो ही कुंवर सिंह वेंट फ्रॉम सेसाराम विया मिर्जापुर टू रेवा कल्पी कानपुर एंड लखनऊ लखनऊ में शांति नहीं थी इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आज मगढ़ की ओर प्रस्थान किया सो बिकॉज देर वॉज नो पीस इन लखनऊ सो वॉट कुंवर सिंह डेट कुंवर सिंह लेफ्ट फॉर आजमगढ़ आजमगढ़ उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा सो ही केप्ट द फायर ऑफ फ्रीडम बर्निंग उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई सो हिज फेम स्प्रेड ऑल अक्रॉस द नॉर्थन इंडिया कुंवर सिंह की इस विजय यात्रा में अंग्रेजों के होश उड़ गए द ब्रिटिश वेर ब्लोन अवे बाई विक्ट्री जर्नी ऑफ कुंवर सिंह कई स्थानों के सैनिक एवं राज कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े सो सोल्जर्स ऑफ मैनी प्लेसेस एंड द किंग्स फ्रॉम मैनी प्लेसेस फोर्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ कुंवर सिंह उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे सो हिज जर्नी टुवर्ड्स द फ्रीडम कंटिन्यूड पीपल ज्वाइंट एंड फॉट अंडर हिज लीडरशिप अगुवाई मींस लीडरशिप इस प्रकार ग्वालियर जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुंचे सो लाइक दैट दे रीच्ड लखनऊ बायDemonstrating successful military strategy with the cooperation of soldiers of Gwalior Jabalpur आज मगध की ओर जाने का उनका उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और आता है जगदीशपुर पर अधिकार करना सो वॉट वॉज हिज मेन ऑब्जेक्टिव वाई ही गोइंग टू आजमगढ़ ही वॉज गोइंग टू आजमगढ़ टू अटैक द एनिमीज इन एनिमीज बाई अटैकिंग इन इलाहाबाद एंड बनारस एंड फाइनली ही वॉन्टेड टू टेक कंट्रोल ऑफ जगदीशपुर बैक अंग्रेजों और कुर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ सो स्ट्रॉन्ग और फ्योर्सफुल बैटल ब्रिटिश एंड द कुरसिंग आर्मी उन्होंने ट्वेंटी सेकेंड मार्च एटीन फिफ्टी एट को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया सो वॉट हैपन कुरसिंग कैप्चर्ड आजमगढ़ ऑन 22 मार्च 19 सॉरी 1858 अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया बट ब्रिटिश वे डिन लीव बिहाइंड अगेन अटैकड आजमगढ़ ब्रिटिश पीपल अगेन अटैक्ड आजमगढ़ कुर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया बट अगेन कुंवर सिंह वंस अगेन डिफीटेड द ब्रिटिश एट आजमगढ़ इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए सो ट्वाइस ही डिफीटेड ब्रिटिश सो वॉट हैपन दस आफ्टर डिफीटिंग द इंग्लिश आर्मी वीर कुर सिंह रीच जगदीशपुर ऑन 23rd April next नेक्स्ट डे एटीन the victory होस्टिंग of independence फ्लैग ऑफ इंडिपेंडेंस किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला बट दिस ओल्ड लाइन कूडन डिड नॉट गेट द प्रिवलेज ऑफ एंजॉइंग दिस विक्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक अंग्रेजों का झंडा उतार कर अपना झंडा फहराया सो ऑन द सेम डे ऑन ट्वेंटी थर्ड अप्रैल दे द पीपल सेलिब्रेटेड द विक्ट्री हाउ दे सेलिब्रेटेड टेकिंग ऑफ द यूनियन जैक दैट इज द फ्लैग ऑफ ब्रिटिश इज कॉल्ड यूनियन जैक एंड हॉस्टेड हॉस्टर्ड ओन फ्लैग दैट इज आर फ्लैग इसके तीन दिन बाद ही ट्वेंटी सिक्स अप्रैल को वह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया थ्री डेज आफ्टर दिस दैट इज आफ्टर हॉस्टिंग द फ्लैग एक्सैक्टली आफ्टर थ्री डेज दैट इज ट्वेंटी अप्रैल दिस हीरोड फ्राम दिस वर्ल्ड एंड लिविंग हिस्स इमोटल स्टोरी बिहाइंड स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे द फ्रीडम फाइटर वीर कुंवर सिंह वॉज फुल्ली स्किल्ड इन द आर्ट ऑफ वॉर छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी He had, mastery, uh, he had uh, gained mastery in uh, guerrilla warfare. Guerrilla warfare means it is a warfare technique which is fought by small military groups against a massive army. Kur ke ran Koshal ko angrezi sena nayak samajne me So the British government or British people were completely. unable to understand the core sings tactics or strategies in the war field dushman ko unke samne se ya to bhagna padta tha ya kat marna padta tha so the enemy had to either run away from him or die there were only two options because he was very skillful 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना का को मौत के घाट उतारा उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है सो द इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857, फिफ्टी सेवन द एज ऑफ द स्वर्ड दैट ही यूज टू किल द इंग्लिश आर्मी इट्स ग्लो इज स्टिल फ्रेश ऑन द पेजेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं सो देर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिस्स ब्रेवरी हिस् करेज और ब्रेवरी uh, कहा जाता है एक बार वीर कुंवर सिंह की अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी सो दिस इज लाइक अ स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी सो इट इज सेड दैट वंस वीर कुंवर सिंह एंड हिज आर्मी हैड टू क्रॉस द गंगा रिवर अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी बट इंग्लिश आर्मी वॉज कॉन्स्टेंटली चेसिंग देम और गोइंग देम पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे बट कुंवर सिंह वॉज ऑल्सो वेरी क्लेवर सो वॉट ही अफवाह मीन रूमर उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार करेंगे सो वॉट ही डेड ही स्प्रेड रूमर दैट दे वुड क्रॉस देर आर्मी ऑन एलिफेंट्स नियर बालिया फिर क्या था अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा आफ्टर हियरिंग दिस रूमर वॉट द ब्रिटिश कमांडर डगलस डेड ही रीच द बैंक ऑफ गंगा रिवर नियर बालिया लार्ज आर्मी एंड वेटेड फॉर कुंवर सिंह कुंवर सिंह ने बलिया से सात मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया बट सिंह बटवॉट कुं सिंह ड्रोव हिज आर्मी इन बोट्स अक्रॉस गंगा एट ए प्लेस कॉल्ड शिवराजपुर विच वॉज से माइल्स अवे फ्रॉम द he बालिया विच ही जब डगलस को इस घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी वेन डगलस दैट ब्रिटिश कमांडर डगलस गॉट टू नो अबाउट दैट ही rushed टू शिवराजपुर

उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई सो ही स्टार्टेड फायरिंग बुलेट सिंह को लगा कि अब हाथ को तो बेकार हो ही गया और गोली का जहर भी फैलेगा उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काट कर गंगा मैया को अर्पित कर दिया

कि यह अंकिंचन भेंट स्वीकार करो सो कुंवर सिंह सेट इन एस विग्र स्टोन ओ गंगा मदर एक्सेप्ट दिस पुअर ऑफरिंग फ्रॉम योर बिल्लावड अंकिचन मीन्स पुअर वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ सो दिस इज ए वेरी ब्रेव इंसिडेंट वॉट ही डिड बिकॉज ही कट ऑफ हिज ओन हैंड सो दैट हिज दैट गन पाउडर पॉइसन वुडेंट एफेक्ट हिज बॉडी वीर कुर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो लिया ही उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए वीर सुवर सिंह नॉट ओनली फॉर्ट विद द ब्रिटिश रूलर्स बट ऑल्सो ही डिड सो मेनी सोशल वर्क्स। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया ही ऑल्सो डोनेटेड लैंड फॉर स्कूल इन द आरा डिस्ट्रिक्ट ऑन विच द स्कूल बिल्डिंग वॉज कंस्ट्रक्टेड कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों को की सहायता करते थे इट इज सेट दैट इज वेरी गुड बट स्टिल ही हेल्प द पुअर पीपल उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी ही हैड प्रोवाइडेड फैसिलिटीज इन एरिया उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बालिया सड़क का निर्माण वन अमंग दम आर कंस्ट्रक्शन ऑफ आरा जगदीशपुर रोड एंड आरा बलिया रोड उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे वाटर पीपल यूज टू डिग वेल्स एंड बिल्ड पॉन्स टू सप्लाई वाटर वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए वीर कुर सिंह डग सेल वेल्स एंड ऑल्सो बिल्ड वाटर रिसर्वियर्स कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे सो कुंवर सिंह वॉज वेरी जनरस एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव पर्सन इब्राहिम खां और खीखियात हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे इब्राहिम खान एंड खियाफत हुसैन हेल्ड हाई पोजिशन इन हिस आर्मी उनके यहाँ हिंदुओं और मुसलमानों के सभी त्यौहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे सो ऑल द फेस्टिवल्स ऑफ हिंदूस एंड मुस्लिम्स वेयर सेलिब्रेटेड टुगेदर देयर उन्होंने पाठशाले और मकदब भी बनवाए सो ही बिल्ड स्कूल्स एंड एज वेल एज मुस्लिम स्कूल्स वेयर दे टीच रिलीजियस स्टफ्स एंड ऑल बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है सो द पॉपुलरिटी ऑफ बुअर कुंवर सिंह बाबू कुंवर सिंह उज सो मच दैट इन मैनी फोक लैंग्वेजेस ऑफ बिहार praising folk song. बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है सो द फेमस पोएट मनोरंजन प्रसाद सिंह ऑफ बिहार हैज रिटन डिस्क्राइबिंग हिज ब्रेवरी एंड करेज सो दिस इज़ द पोय ही हैड रिटन चला गया यो कुर अमरपुर चला गया यो कुर अमरपुर मीन्स द इमोरटल कुंघ हैज़ गॉन अमरपुर मीन्स इमोर्टल प्लेस दैट इज़ मे बी हैवन और इमोर्टल प्लेस साहस से सब अरिदल जीत ही हैज़ वन ऑल अवर हार्ट विद हिस करेज उसका चित्र देखकर अब भी इवन आफ्टर सीइंग हिज पिक्चर टुडे दुश्मन होते हैं भयभीत स्टिल एनिमीज आर फ्राइटेंड और आर गेटिंग स्कैड वीर प्रसवनी भूमि धन्य वह ब्लस्ड इज द लैंड विच गेव बर्थ टू सच ए करेजियस मैन धन्य वीर यह धन्य अतीत ब्लस्ड इज द मैन एंड ब्लस्ड इज दिस इज दैट टाइम एंड ही वॉज बॉन्न गाते थे और गावेंगे हम वी 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 सिंग एंड वी वुड मेक पीपल सिंग हरदम उसकी जय का गीत ऑलवेज वी विल सिंग सॉन्ग ऑफ विक्टरी स्वतंत्रता का सैनिक था ही वॉज अ सोल्जर ऑफ फ्रीडम आज़ादी का दीवाना था ही वॉज अ लवर ऑफ फ्रीडम सब कहते हैं कुवर सिंह भी बड़ा वीर मरदाना था एवरी वन सेज दैर इवन कुंघ कुंघ टू वॉज अ ग्रेट हीरो सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वन So that's it. Uh, I hope you understood the chapter. Please don't forget to subscribe to my channel. Thank you.